खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। हाथरस में समाजवादी पार्टी के नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद प्रत्याशी लल्लन बाबू एडवोकेट ने चुनाव कार्यालय का किया शुभारंभ। कार्यालय शुभारंभ के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन एवं हाथरस विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी ब्रजमोहन राही सहित सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। नगर पालिका हाथरस के अध्यक्ष पद के लिए ललन बाबू एडवोकेट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आज उनके कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ और मुझे खुशी है कि जितने भी नए और पुराने समाजवादी हैं वो सब इस कार्यक्रम में आज हाजिर थे, शामिल थे। जहाँ तक प्रत्याशियों का सवाल है, ललन बाबू हाथरस की समस्याओं को भली बात समझते हैं, वो जानते हैं कि कहाँ प्राथमिकता के आधार पर काम करना है। चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसका संबंध निकाय से होता है, नगर पालिका से होता है। नगर पालिका में बेशुमार दौलत आई लेकिन वो दौलत दिखाई देनी चाहिए। अफसोस ये है कि इतना दौलत आने के बाद भी जो नज़ारा देखने को मिलना चाहिए हाथरस का वो नहीं मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि जब नगर पालिका हाथरस समाजवादी पार्टी के कब्जों में आएगी तो लोग तुलनात्मक दृष्टि से वो फ़र्क महसूस करेंगे और हम निश्चित रूप से हाथरस का समग्र विकास करेंगे। बिल्कुल, तो पहले ही बच चुका था। एक औपचारिकता होती है, वो औपचारिकता का निर्वाह हुआ और सब कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ ललन बाबू को जिताने में लगे हुए हैं। आज क्या कार्यक्रम था? आज नगर पालिका परिषद का जो चुनाव चल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी कार्यालय चुनाव कार्यालय के लिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया था, जिसमें किसी भी संगठन को या किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती है। उसी विधि के अनुसार आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन माननीय रामजी लाल सुमन जी पूर्व केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा कराया गया है। किस तरीके का जोश खरोश दिखा आपको कार्यकर्ताओं में जो कि आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ? आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ और कल से और परसों से हम लगे हुए थे, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा हो या ज़मीनी स्तर से हो या बड़े स्तर का हो, सबको हमने फ़ोन करके फेस टू फेस मिलके सबको हमने आमंत्रित किया था। सभी कार्यकर्ता आज के कार्यक्रम मौजूद थे और कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। आज समाजवादी पार्टी हाथरस नगर पालिका के चुनाव का विधिवत शुभारम्भ हो गया है और आज देखने को ये मिला कि समाजवादी पार्टी के सभी सीनियर साथी, सभी नौजवान साथी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित थे और सबने यहाँ पर ललन बाबू एडवोकेट को आशीर्वाद दिया और साथ चलने का वादा किया है। यहाँ पर हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र अग्रवाल जी और हमारे इस कार्यालय का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रामजी लाल सुमन जी ने किया। यहाँ पर जागरण नेताजी, यहाँ पर हाजी फजलुर रहमान जी, यहाँ पर रामनारायण काके जी, यहाँ पर क्या नाम देव अजय शर्मा जी, यहाँ पर डॉक्टर कैलाश बिहारी गौड़ जी, यहाँ पर अशोक कुमार शर्मा जी, यहाँ पर तमाम हमारे जिम्मेदार साथी और हमारे क्या नाम है अनिल कुमार बांसने जी, तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ उपस्थित थे और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए रात और दिन मेहनत करने के लिए यहाँ पर वादा किया है। यहाँ पर हमारे तमाम क्रांतिकारी नौजवान साथी आए, उन्होंने कहा कि हम ललन बाबू बन करके यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। एक एक कार्यकर्ता ललन बाबू एडवोकेट बन करके साइकिल पर मोहर लगाएगा। अब आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें टीवी 30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहें टीवी 30 इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।